उनके बारे में जानना चाहेंगे, जिस तरह से फिल्म चिनार, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये एक वृक्ष का पेड़ है जी, एक पेड़ का, एक पेड़ है कश्मीर का, कश्मीर का जी, चिनार, जो चिनार जाना जाता है जी। टाइटल एक्चुअली इसका जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चिनार फिल्म का, क्योंकि चिनार का जो पेड़ है वो, उसके जो पत्ते हैं वो हर मौसम के साथ बदलते रहते हैं। अच्छा, उसका कलर्स बदलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी जो पिक्चर है चिनार, दास्तान इश्क, दास्तान इश्क, तो हमारा एक 20 साल का अरसा बताया हमने इस पिक्चर, तो कैसे एक पीरियड के ऊपर रिश्ते भी बदलते हैं, चिनार का झाड़ भी बदलता है कलर से, रिश्ते भी बदलते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते, उनमें उतार चढ़ाव, उनमें कभी नरम गर्मी सब चलती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, मियाँ बीवी का हो, बाप बेटी का हो, भाई बहन का हो, उसमें रिश्ते बदलते रहते हैं। तो वो हमने बताया कि रिश्ते का चेंजेस क्या एक दौर होता है, तो उसको लेके सब्जेक्ट का बेस भी वही है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है चिनार। जब मुझे नरेट की गई तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि मुझे ये पिक्चर करनी है। उससे पहले मैं काफ़ी पिक्चर रिजेक्ट कर चुका था, तो ऐसा नहीं है कि मैं चिनार ऐसे ही उठ के चुन ली, तो चिनार बहुत सोच समझ के चुनी गई है, और मैं कैरेक्टर से बहुत एक्साइटेड था और हूँ, क्योंकि उसमें ट्विन शेड्स खेलने मिल रहे थे मुझे एज एन एक्टर, मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका मिलना था। तो जैसे कि जो शेड होता है एक रोमांटिक लवर बॉय का, इनोसेंट लवर बॉय, उसके क्या हालात होते हैं, वो किस दौर से गुजरता है, उसमें क्या चेंज आ जाता है, और वो बहुत पावरफुल और रिच बन जाता है, और फिर वो कैसे अपना अलग स्टाइल से डील करता है लोगों के साथ, तो वो एक जो चेंज आता है वो दिखाने को मिला मुझे इस फिल्म में। तो एक्टर को और क्या चाहिए, एक कैरेक्टर का शेड बदल रहा है, वो मज़ा आ रहा है उसमें, एक एक ऐसा नहीं है कि एक ही कैरेक्टर ऐसे चलते जा रहा है। और इस फिल्म में खूबी ये है कि इसमें ग्रे शेड्स हैं कैरेक्टर्स में, देखा मैंने ट्रेलर में ग्रे शेड्स हैं, बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं, हाँ, तो वो मज़ा आएगा, ऑडियंस को भी मज़ा आएगा देखते वक्त, क्योंकि जो रियल लाइफ में भी आदमी अच्छा होता है कभी कभी, लेकिन कुछ हालात होते हैं कि उससे कुछ गलत करा देते हैं, कुछ हो जाता है गलत, तो रियल लाइफ में भी अच्छा ऐसा होता है, कभी कभी बुरा आदमी भी अच्छा काम कर देता है, वो ग्रे शेड हो जाता है, सिर्फ बुरा तो सिर्फ बुरा ही नहीं करता, तो ये रियल लाइफ में भी ऐसे होता है। तो ये शेड्स देख के एक फिल्म में एक नेचुरलपन आया, एक अच्छा अच्छा बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और दिल से प्यार से बनाई गई है फिल्म चिनार, और आई एम वेरी प्राउड, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे, बहुत लकी हूँ कि ऐसी पिक्चर मुझे मिली, क्योंकि पिक्चर मिलना भी नसीब से पिक्चर मिलती है, एक रोल मिलता है, जैसे ये पिक्चर कोई और एक्चुअली हीरो को जा रही थी, अच्छा हाँ, लेकिन वो घूम फिर कैसा नसीब था कि वो आ गई मेरे पास, और मेरे सेक्रेटरी थे वही होटल में बैठे थे, डायरेक्टर जा रहा था साइन करने किसी को, उन्होंने उनका हाथ पकड़ के बिठाया और बोला, और मेरा एक बात जिक्र छेड़ा वो डायरेक्टर को, शारिक मिनाज को, कि फैसल भी एक्टिंग करना चाहता है फिर से और इंटरेस्टेड है, तो शारिक भाई बोला, अरे वो तो मेंटल हो गया है, वो मोटा हो गया है, अभी क्या लेंगे उसको, है ना। तो आसिफ शाह ने बोला, अरे आके मिलो तो उसको एक बार, और तुम्हारी फिल्म क्या है, कश्मीर के ऊपर है, अरे फैसल तो कश्मीर ही दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, तो इसलिए तुम्हारे रोल में बैठता है, वो मिलो उसको एक बार, देखो वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो मोटा वोटा कुछ नहीं हुआ है, आके मिलो देखो उसको एक बार। तो उनको कन्विंस करके शारिक भाई को मेरे पास लाया गया, और फिर उन्होंने मुझे मिले और बोले, नहीं यार तो अच्छा है, इसको मज़ा आएगा तो काम करके लेना चाहिए। तो इस तरह से चिनार मुझे नरेट किया शारिक भाई ने, मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर मैंने दोबारा सुनी, फिर मैंने उसको हाँ बोला, तो दो बार सुन के मैंने बोला हाँ ये कहानी करने लायक है, ये कहानी ऐसी है कि ये कहानी जब रिलीज होगी सही तरीके से, इंशाल्लाह बन गई है, और जब बनाई जाएगी तो बन गई सही तरीके से, जब मुझे नरेट की गई तो मैंने बोला अगर ये पिक्चर सही तरीके से बन गई तो बहुत अच्छी बनेगी, और शारिक भाई ने वो अच्छा तरीके से बना दिया है पिक्चर को, तो अब इंशाल्लाह वो तो काम हो गया है, अब इसको रिलीज का भी काम अच्छी तरीके से हो जाएगा इंशाल्लाह, और ऑडियंस कहीं बोर नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, पैसा वसूल करके जाएगी, इंटरेस्टिंग कहानी है, वो तो ट्रेलर में दिखा हमें बहुत ही रोमांटिक कहानी दिख रही है, जी जी इस तरह से जी, रोमांस भी है, और हर शेड्स है, हर ग्रे शेड्स है, थोड़ा एक्शन वायलेंस भी दिखेगा, ग्रे शेड्स है, हर चीज है, अच्छी अच्छी कहानी है। ट्रेलर में देखा सर मैंने बहुत ही, जैसे कि कश्मीर, मतलब पूरी शूटिंग कश्मीर में की, 80% शूटिंग हमारी कश्मीर में हुई है, ब्यूटीफुल लोकेशंस मिले हैं, जो कश्मीर जाना जाता है कि कश्मीर जाना जाता है रोमांस से, कश्मीर की रूह है रोमांस, तो टेररिज्म बाद में आ गया कश्मीर में, तो वो हमने फिर से इस फिल्म के थ्रू, इस फिल्म के द्वारा पेश किया है कि कश्मीर रोमांस रोमांस की जगह है, और उसमें कैसे एक रिश्ते में उलट पलट आती है, वो सब बताया गया है, बहुत अच्छी पिक्चर है।
बहुत दिल से बनाई गई पिक्चर है, बहुत एफर्ट्स किया है शारिक भाई ने, पूरी अच्छी यंग टीम को इकट्ठा किया है, कैमरामैन बहुत यंग है जिगर, बहुत अच्छा काम किया उसने, और सलीम सैन जो म्यूज़िक दिया है बहुत बेहतरीन म्यूज़िक, वो लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है हमारे गाने जो रिलीज़ हुए हैं, तो अच्छी एफर्ट है। अब देखिए और ऑडियंस मेरे हिसाब से बोर नहीं होगी, ये ऐसी फिल्म नहीं है कि उछल कूद गाने ये वो हू हड़ापा एक एक पंच मारा दस लोग गिर गए, वो सब पिक्चर नहीं, अच्छी सोचने वाली फिल्म है, फील कर इमोशनल फिल्म है, एक सेंसिबल फिल्म है, तो लोगों को पसंद आनी चाहिए मेरे हिसाब से। लीड एक्टर आई थिंक जो उनका डेब्यू कर रहे हैं इनायत जी, इनायत शब्द जी, तो कैसे रहा उनके साथ एक्सपीरियंस, बिकॉज कुछ जब पहला दिन था तो कुछ नर्वस थी वो कि मुझे नहीं नहीं वो बिल्कुल नर्वस नहीं थी ऐसा कुछ, अरे आजकल के जो लोग हैं जो नए एक्टर्स हैं वो तो मुझे नर्वस कर देते हैं वो लोग आजकल कुछ नर्वस, वो सब पुराने जमाने की बातें थी, आजकल जो नई पीढ़ी है जो एक्टर्स हैं इतने कॉन्फिडेंट हैं, और इनायत तो थिएटर करके भी आई है तो उसको कुछ एक्सपीरियंस भी है एक्टिंग का, काफ़ी कुछ प्लेज वेज थिएटर किया है उसने, तो शी इज डन अ वेरी गुड जॉब, और काफ़ी दूसरे भी नए लोग हैं इस फिल्म में जो अच्छे अच्छे किरदार कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स कर रहे हैं, और मंझे हुए एक्टर्स भी हैं इस फिल्म में, जैसे कि दिलीप तायल मेन विलेन का नेगेटिव रोल कर रहे हैं, शाहबाज खान ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रमोद माथुर जी ने क्या काम किया है, मतलब एक एक किरदार जो, क्योंकि उनको क्या होता है जब अच्छी स्क्रिप्ट होती है तो ऑटोमेटिकली एक्टर को भी अच्छा काम करने का मौका मिलता है, इसमें मैं कुछ दिखा सकता हूँ, उनको मालूम पड़ जाता है स्क्रिप्ट पढ़ के, तो उनको भी मौका मिला, हर कलाकार ने अपना निभाया है रोल खूबी, तो मजा आएगा ऑडियंस को पिक्चर देखने में। सर क्या ये वो रीजन रहा कि 10-12 साल अगर आप इस इंडस्ट्री से अगर दूर रहे, लाइक बड़े पर्दे पर अगर आप नहीं दिखाई दी, तो क्या ये वो रीजन था कि मतलब आपके अनुसार स्क्रिप्ट आपको नहीं मिल रही थी, या आपके अनुसार जिस तरह की फिल्में आपको चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, या क्या वो रीज़न था 10-12 साल आप इंडस्ट्री में से दूर रहे? जी एक्चुअली क्या हो गया कि मेरी पहली पिक्चर मदोश जो रिलीज हुई वो चली नहीं, फिर मेला रिलीज हुई, मेला तो सुपर डुपर नहीं नहीं कहाँ हिट हुई, मेला तो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, बॉक्स आप पूछिए, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पूछिए, मेरे सामने खड़ा करिए, आप रतन जैन को पूछ लीजिए, मिस्टर रतन जैन जो बिजनेस के चांद बुझ गया भी आपकी फिल्म आई, चांद बुझ गया तो बहुत बाद में आई, वो भी उसकी एक अलग कहानी है, क्या हो गया पहले मदोश रिलीज हुई और मेला मतलब कुछ अरसे में तो दोनों फ्लॉप हो गई, और मदोश में तो मेरा काम बहुत बुरा था मैं खुद मानता हूँ, बहुत बुरा काम किया मैंने, मतलब मैं जब पिक्चर देखा फर्स्ट कॉपी तैयार होके, फिर पिक्चर काम कर रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लगे थे पिक्चर बनानी है बन गई, देखो भाई क्या बनी है, मैं शॉक हो गया, ओ शिट इतना बुरा काम, मैं तो चलूंगा ही नहीं, मैंने पहले अपने आप को ही फेल कर दिया, और वही हुआ पिक्चर फ्लॉप हो गई, मैं फेल हो गया, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, रीस्टार्ट अपने ऊपर काम, वर्किंग एज एन एक्टर, टेक्निक सीखना, ये करना, थिएटर से आदमी बहुत खुलता है, तो वो किया, और उसके बाद मेला आई, मेला में थोड़ा मेरा काम लोगों को पसंद आया, मुझे खुशी हुई, लेकिन पिक्चर नहीं चली, तो फिर से काम मिलना बंद हो गया, जो एक्टर चाहता है कि अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छी फिल्म हो, अच्छा डायरेक्टर हो, बड़ा हो, ताकि हर चीज़ एक अच्छी तरह से पेश की जाए, वो नहीं हुई, वो नहीं मिलती थी मुझे मेला के बाद, क्योंकि पिक्चर फ्लॉप हो गई, तो फिर मैं ऑफिस गया, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस, डायरेक्टर्स के ऑफिस गए, मुझे लो ये सोच के कि मेरा काम तो अच्छा है, शायद उनको ये लगेगा नहीं काम जानता है तो इसको लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ, तो 6 महीने के बाद जब मुझे कोई काम नहीं आया जो मैं चाहता था कोई लेवल का, तो मैंने सोचा कि यार अब काम करना है तो छोटी फिल्म करो, बिल्कुल, क्योंकि बड़ी फिल्म नहीं आने वाली, अगर मैं इस गलत इरादा लेके बैठूं या कुछ ख्वाब लेके बैठूं कि कोई आ जाएगा तो वो नहीं होने वाला है, हकीकत क्या है वो पहचानो, तो हकीकत ये थी कि मैं फ्लॉप एक्टर था, काम जानता था मेला के बाद, लेकिन नहीं, तो मैंने छोटी फिल्में की, और एक दो फिल्म चली भी, काबू और बस्ती ऐसी फिल्में जिन्होंने थोड़ा प्रॉफिट्स कमाया मार्केट में, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उसका एक जो शो बिजनेस होता है उसको बताना पड़ता है कि भाई ये पिक्चर हिट हुई है, आजकल जैसे पार्टीज होती है कि भाई हिट हो गई, एक ढिंडोरा पीटना पड़ता है, तो वो प्रोड्यूसर्स ने वो पीटा नहीं ढिंडोरा, तो वो भी एक दब के रह गई बात, फिर जो बाकी की जो पिक्चर्स थी, कुछ पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स सही गलत निकले, उन्होंने सही तरीके से रिलीज नहीं की, कुछ उन्होंने ऐसे एक पिक्चर है दुश्मनी जो रेडी बन के पड़ी है, लेकिन वो प्रोड्यूसर ने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो वो पिक्चर मेरी अटक गई, वो पूरी रेडी पिक्चर है, तो ऐसे हालात बन गए। इस चांद बुझ गया जो आपने जिक्र किया, इतनी अच्छी पिक्चर थी, इतनी अच्छी स्टोरी थी शारिक मिनास की, और पहली पिक्चर थी मेरे साथ, वो पिक्चर इतनी अच्छी बनाई गई, लेकिन वो भी रिलीज में प्रॉब्लम हो गई,
उसको हाई कोर्ट से ये मिल गया था कि रिलीज करो, परमिशन मिल गया था, लेकिन प्रोड्यूसर ने कुछ गड़बड़ की, कुछ पैसा उठाया था मार्केट से, वो दे नहीं पाए, तो वो पिक्चर रुक दी गई, रिलीज के दिन ही रोक दी गई। तो ये सब फेस करना पड़ेगा मुझे एज एन एक्टर। तो मेरी पिक्चरें छोटी पिक्चरें थी, मैं मेहनत बहुत करता था, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा था, तो मेरी एफर्ट्स फेल हो रही थी। तो मैंने बोला यार बड़ी पिक्चर आ रही नहीं है, छोटी पिक्चर करके कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया आसिफ खान, और मैंने बोला भाई सुनिए ये हाल है, हम ये रियलिटी है, छोटी पिक्चर में मेहनत कर रहे हैं, सही तरीके से रिलीज़ नहीं हो रही है, बड़ी पिक्चर मिल देने वाली है, और आपका और मेरा रिश्ता पुराना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं मेरे घर पे, आइए चाय पीजिए, केक खाइए, इडली खाइए, लेकिन पिक्चर और का नाम मत लीजिएगा, मुझे पिक्चर करना नहीं है। अच्छा अच्छा, फिनिश पैकअप, मुझे काम नहीं करना है। डिसअपॉइंटेड हो गया, हालात डिप्रेशन होती है, नहीं डिप्रेशन नहीं हालात, क्यों डिप्रेशन में मैं इसलिए नहीं गया जब मेरी पिक्चरें नहीं भी चली या चली, क्योंकि मैं अपना फुल देता हूँ प्रोजेक्ट में। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने सीखा है उस वक्त उस लेवल, जैसे मधोज में मेला में जितना मैंने सीखा था, या बस्ती या काबू में, मैंने उतना निचोड़ दिया अपने आप को। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने अपना पूरा दे दिया, लेकिन फ्रॉम अदर साइड जैसे प्रोड्यूसर अगर नहीं कर रहा, हाउ कैन आई हेल्प दैट। बिल्कुल बिल्कुल, बट आई हैव टू फेस दैट। आई कांट, आपने डिसाइड किया कि अब हमें फिल्म नहीं, नहीं करनी है। okay. तो फिर आसिफ खान भी चले गए, हाय फोन पे कभी कभी बात करते थे, तो मैं भी अपना स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट में लग गया। ये फिल्म सडनली आपको मिली? हाँ, तो फिर मैं भी अपना स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट में लग गया आमिर खान प्रोडक्शंस में। आमिर खान प्रोडक्शंस। अच्छा, फिर एक मेंटल टैग भी लग गया था, वो भी एक दौर था कि यार ये तो थोड़ा मेंटल हो गया, रूमर्स थे ये सब, तो वो भी एक आ गया, उस एक मुश्किल दौर से उससे भी गुजरे, उससे भी निकल गए, फिर से सब फैमिली साथ में आ गई, सब हो गया, आमिर खान प्रोडक्शन में ज्वाइन हो गए, और वहाँ स्क्रिप्ट रीडिंग स्क्रिप्ट डॉक्टर ज्वाइन किया, तो वो भी काम चल रहा था। अब सडनली 5 साल काम करने के बाद एक डायरेक्टर उठा, उसको पता नहीं क्या कुछ करंट लग गया कि मुझे आपके साथ में काम, कि उसको फैसल खान के साथ ही काम करना है। अब पता नहीं, वो बहुत हिम्मत वाला है भाई, सहीम भाई है उनका नाम, सहीम भाई उठे और उन्होंने आसिफ खान को फ़ोन लगाया और बोला मेरे को फैसल खान ही चाहिए पिक्चर में। तो आसिफ खान ने उनको समझाया कि भाई फैसल खान अब नहीं कर रहा है काम, और वो हमको घर से भगा देगा अगर हम उसके पास गए भी और फिल्म की बात किए, तो हमको बोलेगा भाई खुदा हाफिज, आप लोग जा सकते हैं। बिकॉज आसिफ भाई मेरा नेचर जानते हैं। तो आसिफ भाई ने बोला यार वो तो नहीं मानेगा, वो बहुत स्टफ, मतलब एक बार उसने फैसला कर लिया तो फायदा नहीं। तो नहीं नहीं, मुझे फैसल ही चाहिए, मुझे फैसल ही चाहिए। सलीम सहीम भाई पीछे पड़ गए और वो ले आए आसिफ खान को मेरे घर पर, और मैं था लंदन में, तो मुझे मैंने फ़ोन किया बॉडीगार्ड को, भाई सब ठीक है, मच्छी को खाना दे दिया जो मेरे पेट्स हैं, वो आए थे सहीम भाई और आसिफ खान। तो मैं बोला अरे यार ये तो मैं समझ गया, ये डायरेक्टर आया है और सेक्रेटरी, मतलब ये पिक्चर का ही काम है। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो लंदन में था, तो मैंने वहाँ से दोस्त थे साथ में, मैंने उनको पूछा कि भाई ये देखो ये कुछ फिल्म ऑफर हो रही है, ऐसा लग रहा है, क्या करें। तो उन लोग ने बोला यार कर लो, तो मुझे ऐसा सजेशन आया, फीडबैक आया, बोला यार लेकिन छोटी पिक्चर में मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है, मेरी मेहनत सब जाया गई है। तो उन्होंने बोला नहीं, आजकल दौर चेंज हो गया, छोटी फिल्में भी चल रही हैं। बिल्कुल करेक्ट, एक छोटी फिल्म में भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, एक सिनेमा अलग टाइप का हो गया है, खुल गया है। तो फिर मैंने बोला यार ये भी तो सही बात है। तो फिर मैंने हिम्मत की और बोला चलो ठीक है, सुनते हैं क्या क्या लेके आ रहे हैं लोग, क्या मुझे ऑफर कर रहे हैं, काम क्या रोल है। तो मैं आया लंदन से और मैंने सुना कहानी, तो मैंने रिजेक्ट कर दी। तो मैंने बोला मैं ये बेकार फिल्में नहीं करूँगा, फिल्म करूँगा, छोटी भी करूँगा, तो कुछ फिल्म में बात होनी चाहिए। तो मैंने कहानी रिजेक्ट कर दी सहीम भाई की, और आसिफ खान को अब पता चल गया कि फैसल भाई फिर से एक्टिंग करना, इंटरेस्ट जाग गया उनका, एक्टिंग का जो कीड़ा है वो अभी तक मरा नहीं है, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। तो वो लाने लग गए हर हफ्ते या हर 10 दिन पे कोई कहानी सुनाने आ रहा है, और मैं रिजेक्ट करते जा रहा हूँ, और मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ कहानी नहीं जम रही है, अब मैं तैयार हूँ तो कहानी नहीं मिल रही। फिर आसिफ खान ने वो जो एक सीक्वेंस मैंने बताया आपको कि वो बैठे थे होटल में और शारिक भाई किसी और हीरो को साइन करने जाते, उनने शारिक भाई को कन्विंस किया बैठा के, और वो शारिक भाई को मेरे पास लेके आए कि समझा के कि भाई मिलो, तो उसको मत साइन करना, मिलो, मेंटल नहीं है, कुछ नहीं, आप मिलो। तो आके मिले, शारिक भाई ने नरेट किया, मुझे कहानी पसंद आ गई, फिर मैंने दोबारा सुनी,
कंफर्म करने की हाँ शारिक भाई सही कहानी सुना रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ ये कहानी मुझे करना है, चिनार दास्तान इश्क, आई एम एक्साइटेड, मैं करूंगा जी बिल्कुल। ओके फैजल जी, दैट्स हाउ चिनार वाज बोर्न। चिनार वाज बोर्न 16 अक्टूबर को अब ये फिल्म आने वाली है जी, 16 अक्टूबर को फिल्म रिलीज है, अब बन के तैयार है जी बिल्कुल। बस दुआ करिए कुछ एक, आपने भी हमसे बातें कही कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं जी 10-12 सालों में, आप क्या क्या देख क्या क्या चेंजेस देखते हैं आपकी इंडस्ट्री में, कितना बदलाव है, छोटी फिल्में भी आपने बताया कि चल रही है, बड़ी फिल्में भी चल रही है जी, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, तो क्या क्या चेंजेस आप देखते हैं इंडस्ट्री में 10-12 सालों में, क्या क्या चेंजेस आए? देखिए चेंजेस जो आए हैं वो टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं, मतलब कैमरा जो एक रील होती थी, क्या बोलते थे उसको, अपना फुटेज क्या बोलते थे रील जो, हाँ वो रील सिस्टम होता था, अब तो चिप आ गया है, कैमरे बदल गए, रॉस्टॉक पे पहले फिल्म बनाई जाती थी, कितना महंगा होता था, अब वो कैमरेज भी चिप आ गई है, कुछ लाइट्स बदल गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ही बदल गया है, कॉर्पोरेट्स आ गए, तो हर डिपार्टमेंट में फिल्म में कुछ चेंजेस आ गए, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है वो भूलना नहीं चाहिए, कि बेसिक चीज़ फिल्म मेकिंग की है कहानी, अगर आपके पास कहानी अच्छी है, वो आपका फाउंडेशन अच्छा है, तभी बाद में क्या टेक्निक होती है फिल्म मेकिंग में, लेकिन दैट सेकेंडरी, यू कैन से द सेम स्टोरी, यू कैन शूट द सेम स्टोरी इन वेरी सिंपल टेक्निक, अगर आपकी कहानी अच्छी है तो टेक्निक सेकेंडरी है कि आपने उसको कैसे शूट किया है, लेकिन बेसिक चीज़ कहानी है, तो कहानी अभी तक जो है फिल्म लाइन में राइटर्स की बहुत कमी है, और कहानी वही चलेगी जो अच्छी है, फिर कैसे शूट किया है आपने उसको, कश्मीर में शूट किया है या एक अपने गार्डन में शूट किया है, वो सेकेंडरी है, तो कहानी होना चाहिए, कहानी चलती है और वो अभी तक वही होल्ड करता है कि स्क्रिप्ट वर्क्स जी, तो वो तो नहीं बदला टेक्निक के हिसाब से। चिनार को अगर आमिर खान साहब ने भी अगर देखी हो या नहीं, आमिर ने देखी नहीं अभी तक, नहीं देखी आप दिखाना चाहेंगे उन्हें फिल्म, उनके पास अभी फिलहाल वक्त नहीं था, क्योंकि मैं आमिर को कंप्लीट प्रोडक्ट दिखाना चाहता था, अच्छा, और हमारा प्रोडक्ट अभी जाके कंप्लीट हुआ है, और उस दौरान तक क्योंकि खुद मुझे कुछ खामियां नजर आ रही थी एज ए टेक्नीशियन फिल्म में, हाँ फिल्म में, तो मैं उसको करेक्ट करते जा रहा था, शारिक भाई के साथ हम लोग सलाह दे रहे थे कुछ कर, शारिक भाई ये कर दो वो कर, शारिक भाई कुछ बोलते थे, तो एक बार पूरा प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का कि ये निकालो ये जोड़ो, एडिटिंग ऊपर नीचे करो, यू नो वो सब चलता है, तो मैं खुद जब तक कन्विंस नहीं हो पाता मैं आमिर को क्या बताऊँ, आमिर तो एक्सपर्ट आदमी है, आमिर तो पहले मैं तुम लोग शाहिब भाई पहले मुझे तो कन्विंस करो आप, फिर मैं लेके जाता हूँ, आमिर को भी दिखाएंगे, आमिर भी, लेकिन एक फिनिश प्रोडक्ट हो, हम लोग बोले कि हाँ अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, अब हम लोग आमिर को दिखा सकते हैं, और फिर उनकी राय मशवरा उनकी सजेशंस लेते, लेकिन फिल्म जब तक कंप्लीट होती तो आमिर तो निकल गया अपनी शूटिंग पे दंगल पे, तो अब फिल्म वो बाद में ही देखेंगे शायद इंशाल्लाह जी बिल्कुल। तो कई दिनों पहले मैंने आप कहीं तो ऐसा इंटरव्यू पढ़ा था, आपने कहा था कि मैं आमिर खान जी को लेके स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, उनके साथ में फिल्म को ऐसी, नहीं मुझे वो जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप डायरेक्शन का भी आपको शौक है, तो बोला हाँ है, और क्या आप करेंगे आमिर के साथ, तो बोला, तो हमने बोला क्यों नहीं करेंगे, अगर हम ऐसी एक स्क्रिप्ट आई और कहानी ऐसे लगा कि इसमें आमिर सूट होते हैं तो हम ज़रूर आमिर को भी अप्रोच करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, तो ऐसा हुआ, तो क्यों नहीं, और वो अभी भी मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे इंशाल्लाह डायरेक्शन में सोच रहा हूँ मैं करूँगा, सीखा भी है, तो इंशाल्लाह 8-10 साल के बाद जब मैं थोड़ा मुरझा जाऊंगा, नहीं वो तो कभी नहीं होने वाला है मुझे एक एक्टर है जो बोलता है आप दीप साहब हैं क्योंकि दीप साहब वाज नोन एज एवरग्रीन हीरो, तो एक एक्टर है इंडस्ट्री में ब्रिज गोपाल वो कैमर से कैमर तक में उन्होंने रोल किया था एज विलन, वो हाथ काटने जाते हैं जुई को शूट कर देते हैं ब्रिज गोपाल, तो वो मुझे देव साहब करके वहां से उन्होंने मुझे आप कभी ओल्ड नहीं होंगे, वो चुप आप एवरग्रीन हीरो हैं, तो आज भी मुझे जब फोन मैसेज देता हूँ देव साहब तो शायद उनकी जो दुआ है मैं एवरग्रीन हीरो ही बन जाऊंगा शायद, आप भी ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं ओल्ड ही नहीं हो रहा हूँ, तो पता नहीं क्या हो गया है, कुछ करिश्मा है इसमें भी कुछ, अगर हमें दंगल के बारे में अगर आप बता सके या स्क्रिप्ट आपने पढ़ी हो जी या नहीं, दंगल का क्या हुआ कि एक्चुअली दंगल जब चुनी गई तो मेरी शूटिंग चल रही थी चिनार की, तो दंगल मैंने सुनी नहीं है, अच्छा एज मतलब मैं उसमें था नहीं कि मैं आमिर को सजेशन दे पाता, वो स्क्रिप्ट मैंने सुनी नहीं है दंगल की स्क्रिप्ट, तो वो लेट भी हाँ पूरी आमिर ने बहुत, आमिर तो हर रोल के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन है उनको अपने काम से, और
अभी तो उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने आप को, बहुत आमिर तो बहुत डेडिकेटेड एक्टर है। और उनसे सीखो वो अपना वो जो उनका बचपन वाला लुक होता है वो ला पाएंगे दोबारा वो, क्योंकि आपने ही कहा था कि हाँ लाएंगे आमिर जो है, आमिर कुछ भी कर सकते हैं अगर वो ऐसा कर सकते हैं कि वो इस एज में इतना वेट बढ़ा लिया उन्होंने, पता नहीं 100 के ऊपर पहुंच गए, 90 समथिंग है, नहीं अभी 100 के ऊपर पहुंच गया, 108 ऐसा कुछ। तो वो आमिर ऐसे इंसान है कि वो दिमाग लड़ा रहे तो फिर वो खत्म, फिर वो करके ही छोड़ते हैं। तो और अच्छा ये दंगल में मैंने सुना है, अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये जो कैरेक्टर है उनका कि ये थोड़ा हैवी वाला थोड़ा मोटा वाला, तो उनका ऐसा भी शेड है इस फिल्म में जहाँ वो स्लिम ट्रिम हो जाते हैं। तो अब जो शूट करेंगे उनको ये उतारना भी है बॉडी उनकी यही फिल्म के लिए। अच्छा ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर। तो ऐसा तो अब वो भी प्रोसेस होगा जब ये शूटिंग कर लेंगे ये पार्ट, तो इनका भी शायद कुछ पार्ट होगा जब वो जवानी में पहलवान थे, क्योंकि वो अपने डॉटर्स को शायद सिखाते हैं लाइफ पहलवानी या जो भी कुश्ती जो भी, तो इनका जो फाइट तो उनको भी वापस स्लिम डाउन होना पड़ेगा यही फिल्म के लिए। तो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर हिम। जी पोस्टर भी उनका एक आया है अगर आपने देखा होगा। हाँ पोस्टर एक फेस था ना जो वो वाइट दीवार से जैसे। जी जी बहुत अच्छा पोस्टर है। अच्छा आपको अच्छा लगा? हाँ मुझे अच्छा। जी अच्छा। चलिए अगर मैं चिनार के बारे में अगर बात करूं, जी जी, तो 16 अक्टूबर को रिलीज है, क्या एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं आप लोगों से, क्योंकि आज जहाँ पर आप आज के जमाने में रोमांटिक कई सारे हीरो आ गए हैं, रणबीर, वरुण, आलिया, नए सारे हीरो आ गए, उन सबके बीच में आपकी चिनार आ रही है, चिनार आ रही है जो कि एक फैक्ट है। जी जी जी। तो अब यंगस्टर लोगों को अपनी तरफ फॉलो करना ये एक बहुत ही टफ होगा आपके लिए, बहुत ही चैलेंज होगा आपके लिए। जी 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 जी। वो कैसे सब सारे चैलेंज कैसे फेस करेंगे आप? देखिए क्या है ना, बेसिकली अगर कहानी अच्छी हो तो वो यंगस्टर्स को भी पसंद आएगी। आजकल के यंगस्टर्स भी काफी सेंसिबल हो गए, तो वो भी देखेंगे यार उछल कूद तो बहुत हो गया, अगर वो एक अच्छी पिक्चर देखना चाहते हैं तो ये हर अच्छी पिक्चर तो हर आदमी देखना चाहता है। जी तो ये एक अच्छी पिक्चर है मेरे हिसाब से, और हम लोगों ने बहुत अच्छी सिंसियर एफर्ट की है पूरी टीम ने, जिससे लोगों को गाने पसंद आ रहे हैं तो उनको एफर्ट दिख रही है कि गाने अच्छे रिकॉर्ड भी म्यूजिक भी अच्छा है जो एक नए लड़के ने दिया है, और पिक्चराइज भी अच्छे हो, ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा हौसला बढ़ रहा है कि शायद ये जो हम लोग ने एक एफर्ट की है इस पिक्चर में चिनार, लोगों को शायद पसंद आएगी, जो हमारा ऐसा हमको लग रहा है अभी, जो फील आ रही है अभी तक कि हम लोग ने अभी तक तो सही सब सही जा रहा है, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है हर तरफ से, तो शायद इंशाल्लाह और पिक्चर अच्छी बनी है हर तरीके से, तो अच्छी पिक्चर तो अच्छी होती है। जाते जाते आपको सर बोलना पड़ेगा 16 अक्टूबर को आप आइए जी हमारे फिल्म देखिए, ये आपको इनको बोलना है ऑडियंस को, ऑडियंस को जी जी जी। तो हमने ये पिक्चर बहुत प्यार से, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ चिनार, आई एम वेरी लकी कि मुझे चिनार पिक्चर ऑफर हुई, मैंने किया और इस पिक्चर का मैं एक हिस्सा हूँ, और मैं दर्शकों से ये गुजारिश करूँगा कि आप भी जाइए 16 अक्टूबर को हमारी पिक्चर चिनार लग रही है थिएटरों में, आप जाइए देखिए और इंशाल्लाह आप बोर नहीं होंगे, ये मेरा वादा है, पसंद आएगी पिक्चर आपको, थोड़े पॉपकॉर्न भी खा लीजिएगा और भी मजा आएगा और पिक्चर एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी फिल्म चले, थैंक यू, सुपर डुपर, थैंक यू, थैंक यू सर।